Hey there, Taurus, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your July month reading regarding your career, money and finances. It will be a general reading. If it may resonate you or may not, please take those messages which resonate you and leave the rest. Let's start your reading. The messages for Taurus sign. Okay, Ten of Cup. What are the messages for Taurus sign? Chariot, Four of Wands, Six of Cup. Well, Six of Swords. Sorry. So underneath the deck you are having Six of Pentacles. Let's start your reading. Hey dear Taurus, welcome to my channel Dream Tarot. ये आपकी जुलाई मंथ के रीडिंग है रिगार्डिंग योर मनी केयर एंड फाइनेंसेस. और मैं पहले इंग्लिश रीडिंग कर चुकी हूँ, दैट्स व्हाई ये कार्ड्स आए हैं. और इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, और जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि आप बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस चल रहे हैं अपने वर्क प्लेस में. आप हो सकता है आपको एक जेनरस सम ऑफ मनी भी गेन हुआ हो इस मंथ में. कहीं ना कहीं आपने फाइनेंशियली भी गेन किया है. और इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा, और आप हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ी हो और आपको आपकी मेहनत का, हो सकता है फर्स्ट सैलरी आपने ली हो, आपका आपकी मेहनत का फल आपको मिला, तो आप ये सेलिब्रेट भी करें. और या अगर आप बहुत अरसे से एक जॉब में हैं तो हो सकता है कि आप अपनी कोई पोजीशन सेलिब्रेट करें. आपको कोई वर्क प्लेस में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहे हैं, इमोशनली भी बैलेंस्ड हैं आपकी, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं अपनी जॉब से और सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके सराउंड के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हो, आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मूड में हो, और हो सकता है वो आपके ऊपर जो है कुछ आपकी सक्सेस में कुछ मतलब रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हो. बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, वो लोग आपके सराउंड में आपके साथ सपोर्टिव ना हो, लेकिन ये जो भी सिनेरियो है वो रिजॉल्व हो जाएगा अगर आप अपना काम अपने तरीके से करते रहें. अगर आप इस जॉब में नए हैं, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, नई जॉब सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट्स लाइक दैट इफ़ यू आर गेटिंग न्यू पोजीशन. अगर आप नई पोजीशन भी आपको मिली है, अगर आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, नई पोजीशन भी अगर आपको मिली है, या फिर आपकी सैलरी में कोई इजाफा हुआ है, या फिर आपको फर्स्ट सैलरी मिली है, तो आप जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. जैसे ट्रीट काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, ट्रीट और इस तरह की. बट आपको उसी टाइम पे कुछ ऐसा सामना भी है लोगों का जो कि आपके आपसे कंपटीशन में है, और आपके आपको जो है आपकी सक्सेस से जालस फील करते हैं, और वो आपके टांग खींचने की कोशिश करें. लाइक होता है ना कि कोई सक्सेसफुल चल रहा होता है तो उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें खामा खामे ही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये इसने ये कर दिया, इसने ये गलत किया है, इसने ऐसा किया है. तो आपके अथॉरिटी फिगर्स के सामने आपको जो है डाउन करने की कोशिश भी की जा रही होगी. बट यहाँ पर आपकी अथॉरिटी फिगर जो है वो हर प्रोज एंड कॉन्स को चेक करने के बाद वो इस सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे, अपने हाथ में ले लेंगे, और आपको आप भी सक्सेसफुली कम आउट हो जाएंगे जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए होंगे इनका अदर पीपल्स ने, जो दूसरे लोग हैं जो आपके साथ कॉम्पिटिशन में हैं, उन्होंने जो भी एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं उससे आप बहुत सक्सेसफुली बाहर आ सकते हैं. आपके लिए एडवाइस ये है, यहाँ पर आपके बॉस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं मुझे. हो सकते हैं अथॉरिटेटिव फिगर्स की जो है आपके ऊपर मेहरबानी है, और आप बहुत ज़्यादा वो हर प्रोज एंड कॉन्स देख कर वो आप पे ट्रस्ट करके जो है वो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सकते हैं. या फिर आप बहुत ज़्यादा अथक मेहनत जो आपने अपनी अपना नाम बनाने के लिए अपने बॉसेस के सामने की थी, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है इस वक्त, और वही आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. और जो उसकी वजह से जो अदर पीपल हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा
हो सकता है जेलस हो। आपकी जो एडवाइस है वो ये है कि आपको, आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आपको एक अपने इमोशंस भी बहुत ज़्यादा आपने इस वर्क में, अपने काम में इन्वॉल्व किए हुए हैं, इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये एक कनेक्शन की तरह है आपके लिए ये काम, तो आप इसको बहुत ज़्यादा डेडिकेटिव स्टाइल में करते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं टू वर्ड योर वर्क। सो आपको, आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको डिफेंसिव मूड में रहना चाहिए, आपको जो है उनके साथ फाइट बैक नहीं करनी चाहिए। जो भी लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं, कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उस पर आपको अपने आप को डिफेंड करना है, सिर्फ उससे अपने आप को डिफेंड करना है और उनके ऊपर फाइट बैक नहीं करनी। आपको बदले में उनके बारे में कोई ऐसी बातें नहीं करनी। तो आप जो है अपनी अथॉरिटेटिव फिगर्स की नज़र में एक मकाम बना सकेंगे और भी ज़्यादा, और वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ से कम आउट करने के लिए। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई रिगार्डिंग योर मनी करियर एंड फाइनेंसेस। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।